कांग्रेस महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना रहे। कांग्रेस पार्टी ने ही देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी और प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए बड़े वादे करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार हम देंगे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी ने आज ये महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं के लिए तमाम वादे उन्होंने किए हैं। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार हम देंगे। और ऐसे में इससे पहले 40% टिकट विधानसभा चुनाव में देने का ऐलान प्रियंका गांधी पहले ही कर चुकी हैं। पचास प्रतिशत तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, तो ऐसे में कांग्रेस ने आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, प्रियंका ने पहले ही महिलाओं के लिए तमाम वादे वो कर चुकी हैं, फ्री स्कूटी देने से लेकर स्मार्टफोन और 40% टिकट देने का ऐलान तो कर ही दिया है। अब ऐसे में आज ये महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या इसमें खास बिंदु रहे हैं? पारू, देखिए, महिला घोषणा पत्र में 6 सेगमेंट में रखा गया है। खासतौर से सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए महिलाओं के कामकाज में खासतौर से भागीदारी मात्र 9.4% बोला गया है। उसके साथ ही साथ 40% महिलाओं के लिए 20 लाख से ज्यादा नौकरियां होगी और 50% महिलाओं को रोजगार देने वाली छोटे मोटे जो लघु उद्योग होते हैं उसमें उनको छूट दी जाएगी। और यहाँ तक मनरेगा में जो महिलाएं काम करेंगी उसकी जो प्राथमिकता होगी उसमें 40% महिलाओं को सुनिश्चित नियोग के आधार पर रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कोटे के जो राशन की दुकानें होती है उनमें भी महिलाओं को आरक्षण दी जाएगी। तो कहा जा सकता है अच्छा, उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया है कांग्रेस प्रियंका गांधी महासचिव ने। और इसके साथ ही साथ इनका ये कहना था कि इस तरीके से जो 6 सेगमेंट तैयार किए गए हैं इसके बनाने का उनका बात उद्देश्य इसी बात को लेकर है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप चुनावी घोषणा पत्र में जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अगर कांग्रेस का यही जो नारा है कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर जो पार्टी है वो और तरीके से मजबूत होगी और कांग्रेस में पंचायती राज की भी शुरुआत वो करेंगी। तो पहला उन्होंने काम स्टार्ट किया है, पंचायती राज में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ महिलाओं को जो भागीदारी है वो राजनीति में यानी कि सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा है कि आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपना रिजर्वेशन करवाए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल रूबी। और देखिए, इस घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम भी कांग्रेस ने दिया है। तो ऐसे में देखिए रूबी, आप कई बार ग्राउंड जीरो पर जैसे जाती हैं जनता के बीच, अगर आम लोगों की बात की जाए तो क्या महिलाएं कांग्रेस के इस कदम से कितना खुश हैं? क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है और आज जो ये महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, इससे पहले भी महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी तमाम बातें कह चुकी हैं। तो ग्राउंड पर अगर आम जनता की बात की जाए तो कित महिला क्या कांग्रेस के इस कदम से खुश हैं? देखिए पारू, कई बार ऐसा हुआ है कि जब राजकीय में गए हैं और लोगों से बातचीत हुई है तो कई महिलाएं ऐसी भी थी जिनको ये कहना कुताही नहीं होगा, ये कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने कहा ये नेता है, इनके सिर्फ वादे होते हैं और ये वादों से उखर भी जाते हैं। वक्त बताएगा कि ये कितना जो बोल रहे कठिनियों करने में कितना फर्क है।
वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिसका ये कहना था कि प्रियंका गांधी खुद महिला है और ऐसे में महिला का ये कदम अच्छा है, यानी कि सफल रहे, और ऐसे में हम लोगों को वो बढ़ावा दे रही है। खासतौर से ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस है, उसने महिलाओं के लिए खासतौर से सोचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे जो महिलाएं आगे बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी को लेकर कुछ महिलाएं खुश भी नजर आई। लेकिन कुछ लोगों का तो यही कहना रहा कि नेता है उनके वादे होते हैं और जो वादे होते हैं वो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो दरवाजे तक सब आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। अभी जो एजेंडा जिसने उन्होंने तैयार की है, जो अपने घोषणा पत्र तैयार कर रही है, उसमें से बहुत सी कम ऐसी बातें होती है जिसपे वो खड़ी उतरती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है 50% महिलाएं खुश भी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी थी तो नाराजगी जरूर जताती नजर आ रही थी कि नेता है, नेता से बिल्कुल भी वादों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल रूबी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस की बात हो गई, अगर बीजेपी की बात की जाए तो देखिए बीजेपी विकास कार्यों को लेकर ही लगातार आगे बढ़ रही है। अगर कल की भी बात की जाए तो कल भी गोरखपुर एम्स की सौगात जनता को दी गई, इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, फिर जेवर एयरपोर्ट की, और ऐसे में आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो क्या बीजेपी के विकास कार्यों पर ये कांग्रेस का महिला कार्ड भारी पड़ सकता है? निश्चित तौर पर, क्योंकि पारुल पहले भी कहा था कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलनी चाहिए महिलाओं को, तो अब ये एक दाव है या ये कह सकते हैं तो इसका जरूर उन्होंने फेंका है। खासतौर से जब बीजेपी अपनी तरफ से इतनी योजनाएं दे रही है, परियोजनाएं जो पुरानी की बची हुई थी उनको लगातार उद्घाटन करते हुए नजर आ रही है, और कई ऐसी परियोजनाएं थी जो कह सकते हैं कि अपने जो फाइलें थी उनको निकाल के सड़क तक लाने के लिए उनको काफी वक्त लगा था। लेकिन अगर ऐसे में प्रियंका गांधी ने महिला ट्रंप कार्ड चला है और कहीं ना कहीं खासतौर से बीजेपी के लिए भी एक थोड़ा सा लड़ाई यानी कि फाइट जरूर हो सकती है, खासतौर से अगर हम योजनाओं की बात करें और ये इधर फ्रीडम ऑफ चॉइस की महिलाओं को लेकर बात करें, तो प्रियंका गांधी ने एक अच्छा कार्ड जरूर फेंका है खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि ऐसे में जहाँ महिलाओं को घर में रखने की बात हो रही थी और वहीं पे प्रियंका गांधी ने उन लोगों को बढ़ावा दे दिया है, तो जी चलिए ठीक है रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस ने आज महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, शक्ति विधान इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से अभी एक और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन आज महिलाओं के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें तमाम बातें उन्होंने महिलाओं के लिए की है, और लगातार कांग्रेस इस बार यही नारा लेकर चल रही है, यही वादा कर जनता से चल रही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए कांग्रेस महिलाओं के हक के लिए खड़ी है और कांग्रेस महिलाओं की बात करेगी।